रविचंद्रन अश्विन ने कंगारुओं को उधेड़ा, पारी और 132 रनों से जीता भारत। अश्विन और जडेजा की आंधी में उड़े कंगारू, फिरकी के फेर में फंसा ऑस्ट्रेलिया। खूब साजिश चली, जडेजा की फिरकी रोकने के लिए ना जाने क्या क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अश्विन और जडेजा ने पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को घुटनों पर ला दिया। अभी तो तीसरे दिन का ही सूरज निकला था, नागपुर में सोचा था कि कुछ होगा, लेकिन कंगारुओं का काम तमाम हो गया। कंगारुओं की इतनी बड़ी हार हुई कि पूरा ऑस्ट्रेलिया आज उन्हें देख रहा है। भारत ने पारी और 132 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज कर ली। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले ही मैच में भारतीय टीम ने मेहमान ऑस्ट्रेलिया को तारे दिखा दिए और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उनके बल्लेबाज उम्मीद के प्रदर्शन के मुताबिक नहीं खेल पाए, सिर्फ 177 रन पर सिमट गए, जिसका पीछा करते हुए भारत ने अपनी पहली बारी में 400 रन बोर्ड पर टंगा दिए और 223 रनों की बढ़त हासिल कर ली। मेहमान दूसरी पारी में उतरे और टीम सिर्फ 91 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम ने पारी और 132 रनों से मैच अपने नाम कर लिया। लगभग 6 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ने महसूस ही नहीं होने दिया कि वो इतने लंबे अरसे से खेल से दूर थे। ऑस्ट्रेलिया में पहले तो तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी का कहर टूटा, उसके बाद रविंद्र जडेजा। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ 25 रन बनाकर नाबाद रहे और बाकी बल्लेबाज में आया और तू गया की कहानी पर चलते रहे। इस पारी में अश्विन ने 5 विकेट झटके, वहीं रविंद्र जडेजा ने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा और शमी का कहर भी इस पारी में भी देखने को मिला, उन्होंने भी 2 विकेट अपने नाम की। वहीं अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। इससे पहले भारतीय टीम ने पहली पारी में रोहित शर्मा के 120 रनों की मदद से 400 रन बनाए, इसमें अक्षर पटेल ने भी 84 रन बनाए और इस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टोड मर्फी ने अपने पहले ही मैच में 7 विकेट हासिल किए और रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन जीत भारतीय टीम की ही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।